लोरी सुनाए ना, वो कहता ना लोरी और लोरा, क्या करूँ मैं अभी ना, परेशान हो गए रहते रहते, क्या करूँ। मुझे तो वो बेवकूफ समझता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों ये सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 9:15 बज रहे हैं और मैं जाने के लिए रेडी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं जाता हूँ जॉब पे। ये रहा मेरा बेटा, मेरे कपड़ों में बैठा है, मेरी बैसाखी को पकड़ के बैठा है, मुझे जाने ही नहीं दे रहा है। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो फिर आ जाता है और साथ में तो चलता ही है, फिर वो पीछे पीछे भागता है गाड़ी से। आरू पूनम को अभी मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन पूनम ऐसे ही बैठी है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो रही है, बोल रही है कहीं कुछ बोल रही है, कहीं कुछ बोल रही है। सुबह से कौ करने में लगी हुई है। अभी मेरे ठीक मेरे सामने बैठी है दोस्तों और देख रही है बहुत बुरी नज़र से। आरू तो फ्रेंड मैं ना अंशजी से बात नहीं कर रही थी, उन्होंने मुझे आज गुस्सा दिला दिया था सुबह सुबह, और कपड़े वगैरह लगाना है मुझे, मन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है पता नहीं वीकनिक से हो रही है, मतलब अंदर से ऐसा लगा ना जान ना हो सही, मन भी नहीं हो रहा कुछ भी करने का, ऐसा हो रहा है। पता है फ्रेंड आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग क्या कहूँ मैं आपको, सब कुछ बातें अच्छी की तो नहीं है, बस ऐसे ही अंशु जी थोड़ा सा तू तू मेवा हो जाती है तो इसलिए गुस्सा हो जाते हैं। फिर मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ, अगर वो गुस्सा वगैरह हो जाते तो मैं भी कुछ नहीं बोलती, बस उनको लंच वंच देना होता है बना कर, या तो शाम को अगर मैं नहीं बात बात करूँगी तो खाना वाना दे देती हूँ उनको निकाल के, और बाकी फिर अपने फ़ोन में लगा, यहाँ तक कि बेटे को भी नहीं पकड़ते रात में। तो इसलिए फिर मुझे गुस्सा ही, रात में क्या हुआ, जब मैं रात में पोछे लगा के सोती हूँ ना, रात में मट्टी मट्टी होता है, आरू जी को खाना खिलाते हैं, तो इसीलिए तो मैं फिर पहले तो किचन विचन साफ कर, खाना पीना खाने के बाद किचन में करते, मैं हर रात को सोती हूँ साफ़ सुथरा करके, फिर मैं कमरे में पोछा लगाऊंगा, उसके बाद जो सामान फैला रहेगा उसे रखूंगी सही जगह पे। तो क्या हुआ, मैंने पोछा लगाया था रात में, उस पर आरुण अपने आप से गिर गया फिसल कर, और मैं कह रही हूँ बार बार क्योंकि आरू को पकड़ लो, आरू पकड़ लो, आरू पकड़ लो, लेकिन पकड़ने को राजी नहीं, बार बार मेरे पास आरू आ जा रहा है, बार बार इसके पापा पकड़ने को राजी नहीं, बार बार पकड़ रहे बार बार भाग जा रहा है। यार तो थोड़ा सा बहलाना चाहिए ना, तभी तो आरू रहता ना। बस इसी बात पे आरू कल गिर गया, और रात से फिर मेरी थोड़ी ना गलती है भाई, तुम दिन भर नहीं पकड़ते यार, तुम दिन भर थोड़ा बहुत तो बेटे से बात बात किया करो ना, ऐसा थोड़ी ना है तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ोगे। बस यही बात पे हो जाता है छोटे छोटे झगड़े में, मैं क्या करूँ मैं अभी ना, परेशान हो गए सच में यार, रहते रहते क्या करूँ, मेरे को मन नहीं होता कुछ भी, ऐसा गर्मी से बिल्कुल उमस सी हो रही, मेरे को कुछ करने में मन नहीं हो रहा है। एक तो साड़ी पहनना हालांकि कंफर्टेबल लगता है, बट रात में पहन के सोना बड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए मैं रात में मैं उतार देती हूँ। तो चलो फ्रेंड मैं थोड़ा तवे कपड़ा को तवे लगा के ना थोड़ा जगह वगह खाली करती हूँ, आलू भी सो रहे हैं और नहीं तो उठ जाएंगे तो मुझे कुछ भी नहीं करने देते हैं, तो इसीलिए मैं तवे लगा के उसके बाद मैं फ्रेश होकर आप लोग सुनती हूँ बने रही ब्लॉग में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। और चलो आज भी अभी भी जब आएंगे ना शाम को मेरे अंशु जी, तब भी मैं उनसे बात नहीं करूँगी, एक भी बात नहीं करूँगी, पता नहीं मूड उनका ऑफ ही रहता है हमेशा, तो इसीलिए मतलब यार अपनी झगड़े में मुझे किस सुलझाते हो, मुझे क्यों उलझाते हो, मैं फेंक आती कूड़ा क्यों टेंशन लेते हैं। और मैंने कहा चलो नहीं फेंक रही हूँ, उसके बाद मैं कपड़े पड़े पहने की थी इसीलिए बस यही बात करूँगा। तो चलो बने रही ब्लॉग में, ओके आज से वीडियो बंद, मैं तुम्हारे वीडियो में नहीं आऊंगी। और किसके में आई हो, किसी के वीडियो में नहीं आऊंगा, मुझे वीडियो बनाना ही नहीं है, बिल्कुल बंद। हाँ क्योंकि कल तुम मेरे वीडियो में नहीं आए थे, कल मेरे शिवरात वो सावन के महीना में नहीं आए, वो पूजा करते पहले अपनी बैसाखी नहीं चला, वो आरू गिरेगा आरू लग जाएगी, हमेशा कहती तुम्हें हर बार भूल जाते हो, आरू आरू को देना फोन से। तो दोस्तों पूनम बोल रही है कि अब वीडियो नहीं बनाएगी क्योंकि कल जो सावन का जो पहला सोमवार था, तो बोल रही थी कि मुझे मंदिर लेके चलो, बड़ा मंदिर लेके चलो, और मैं मुझे जॉब पे जाना था, हालांकि मैंने बोल तो दिया था अच्छा ठीक है कि सुबह 6 बजे जगना और फिर मैं लेके चलता हूँ मंदिर। देखो फ्रेंड मैं 4 बजे जगी थी, फिर उसके बाद मैं सो गई, मैंने सोचा कि 4 बजे क्या करूंगी उठ के, इसलिए मैं सो जाती हूँ 7:30 या 8:30 उठूंगी। 8 बजे दोस्तों जगी और फिर बोल रही मुझे मंदिर लेके चलो छुट्टी कर लो, अब दोस्तों रोज रोज थोड़ा मैं छुट्टी करूंगा, मैंने कहा बोले मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, तुम हमारे वीडियो में नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, ऐसा नहीं होता है, देखो मैं नहीं आऊंगी, सही बता रही हूं, नहीं आएगी, आरू तो आएगा भाई है, हम और आरू बनाएंगे है ना,
क्योंकि ना इन फ्रेंड इनके ना वीडियो के चक्कर में ना मेरा काम नहीं हो पाता है, इनके वीडियो के चक्कर में लगे रहते हैं, उनके काम में लगे रहते हैं, उनके बेटे मेरा है, मेरा काम है, मेरा तो काम सिलाई का है, वीडियो बनाने का काम तुम्हारा है, ओके मुझसे बिल्कुल मेरा काम जरूर है, फिर शाम को आते हो ना तो तुम्हारे चक्कर मेरा नहीं हो पाता है। अभी तुम आए हो ना, आरू की गाली नहीं घूम पा रही है। आरू कब से नहीं सोया? आरू वो आज तो सोया नहीं है, ये 12 बजे आज मैं इसको सुला दी थी, 10 ही बजे सुला दी थी, 10 बजे सोने के बाद ये तुरंत उठ गया 12 बजे तक। 12 बजे से नहीं सोया? 12 बजे उठ गया, 10 बजे सुलाई, 12 बजे उठ गया, फिर ये उठ गया 12 बजे के बाद, फिर ये खाना वाना खिलाई मैं इसे 2 बजे। तुम ऐसे पसर क्यों जा रहे हो? क्या करूं, मुझे लेटने का मन कर रहा है, मैं लेटूंगा नहीं क्या? कोई नहीं, आप कोई करें, इसको वो है, इसको गाड़ी बंद कर दे हमेशा के लिए, आवाज आवाज नहीं तो गाड़ी बंद ही कर दो, ये ऐसी खटारा चला, हां हो जाएगा बंद, हो जाएगा तो प्लीज कर दो इसका, ये इसका ऐसे मारते रहे फिर वो रोएगा, देखो फिर वो रोएगा नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो नहीं है कि हमने बंद कर देता हमसे बात बोले, ये जानता है यहाँ से आवाज कम बेसी होता है। अच्छा आपकी बात ना, दूसरा जो सोमवार आएगा मैं पक्का लेके चलूंगा बड़े भगवान जी के पास, ठीक है? बड़े भगवान छोटे भगवान से कोई मतलब नहीं। फिर क्यों रोटी पड़ी है? मेरा काम हो जाएगा, तो किचन का काम मैं कर दूंगा। नहीं नहीं तुम मत करो, तुम मेरा बेटे को संभाल लो अपने बेटे को, ठीक है? मैं सुलाता हूँ, आरू नहीं, इतना शैतान हो गया यार, क्या बताऊ मैं, इतना जल्दी क्यों आ गया? नहीं नहीं बजाना, गाना नहीं बजाना। चंदनिया चुप जाना रे, नींदी आंखों में आए, आरू मेरा कहाँ सोएगा यार, ये ओ आलू है, आलू है, आलू है, आरू सो जा। भाई मेरे बस की तो नहीं है, गाड़ी के पास ही भाजेगा, गाड़ी चाहिए उसको। डटाओ डटाओ, चलो गाड़ी पे बैठो, चलो गाड़ी पे बैठो। गर्लफ्रेंड मैं जा रही हूँ रोटी वगैरह बनाने के लिए, और उसके बाद मेरे थोड़े से बर्तन वगैरह है वो मैं धुल लेती हूँ, खाना वाना है मेरे को, रोटी वगैरह फिर बनाना है तो मैं बनाऊंगी, उसके बाद आदि जी को तो उसके पापा खिला रहे हैं, ठीक है ना? तो फिर बने रहिए ब्लॉग में, ओके? I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. Bishum, aao, aajao, 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 aajao. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. एक डेढ़ घंटा हो गया मेरे को खाना ना बनाए हुए,
लेकिन इन्होंने अब तक नहीं सुना। मैं सोची कि सुला दिए होंगे, शायद आवाज वाज नहीं आ रही थी। मुझे तो वो बेवकूफ समझता है। अभी से इस बार जाती को नाक रखो, उस पर डर डराक मत करना। देखो देखो कैसे नींद आएगी, तभी तो वो सोएगा। नींद आ रही है उसको, नींद आने की जरूरत है, उसको हिलाने की जरूरत है। ले लेके गोदी में हिलाते रहो। मैंने लोरी भी सुनाई ना, लोरी सुनाई ना, वो क्या जाने लोरी और लोरा क्या होता है। उसको बस कार में मिल गया ना तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको खाना पानी को दिन। एक काम करो, क्या पता भूख लगी इसलिए वो भूख के मारे खेल रहा हूँ, उसको खाना खिला दो। उसको खिचड़ी बनाई हुई ना, खिला दो, खा सकता है। उसकी लग रहा लग गई हाथ, गाड़ी को उधर कर देना तो जरा खींचो खींचो कैसे वो ये खींचना चाह रहा है। मुझे सुलाना पड़ेगा, सही कह रहे, हमेशा तो मैं ही सुलाती हूँ। उधर भी कर क्या उधर, मैं सोची बेटा इतना देर आज आज चलो सुलाते, चलो सोने सोने चले। इसको पहले भूख लगी, ये जब तक नहीं सोएगा जब तक मैं ना सोऊंगी, ठीक है ना। हाँ इसका जैसे जैसे समझ होते जा रहे हैं ना वैसे वैसे ये नहीं सोता है। देखो देखो कैसे नाचने में लगा हुआ है। तो चलो फ्रेंड मुझे कोई मेरे को आरू को सुलाना पड़ेगा। आरू जी तो जब तक मैं नहीं सोऊंगी जब तक आरू नहीं सोता है, तो हम लोग खाएंगे पियेंगे उसके बाद ही आरू को सुलाएंगे, क्योंकि आरू ना बहुत देर से जगा हुआ है। पहले मैं इसे सुला देती हूँ, सुलाने की कोशिश करती हूँ, अगर सो जाएगा तो ठीक है। तो चलो फ्रेंड आज के ब्लॉग में यही समाप्त करती हूँ। अगर कोई नए भाई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगता है। बाय बाय।